हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आज हमारे पास है आईफोन एक्स एस मैक्स और आप इसके पीछे इसका डिटेल्स देख सकते हैं, इसका प्राइस और रैम वगैरह। तो फ्रेंड्स चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इसको और शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स ये जो फ़ोन है एक दो दिन पहले ही अनबॉक्स हो चुका है, पर आपको दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका रैम जो है 512 GB और आप इधर देख सकते हैं इसका जो प्राइस जो कि है 144,900 और इसके साइड में आप देख सकते हैं आईफोन मेंशन है और नीचे लोगो भी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या हमें मिलता है। तो इधर हमें मिलता है एक पेपर जिस पर लिखा है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया और इसके अंदर देखते हैं क्या है। फ्रेंड्स इसके अंदर हमें मिलता है एप्पल का जो स्टिकर और इसके साथ हमें मिलता है एक पेपर जो कि मैनुअल टाइप का है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है और हेलो भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये है सिम डिटेक्शन टूल जिसके साथ हम सिम ट्रे को भी ओपन कर सकते हैं और ये है कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि कुछ गाइड पेपर जिसके हेल्प से हम इसको पढ़ कर यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा फ़ोन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन कलर का है। तो हम फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स इंग्रेडिएंट्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा ईयरफोन, इसके साथ हमें मिलेगा एक अडाप्टर और उसका USB केबल चार्जिंग के लिए। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को साइड में रखते हैं और फ़ोन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है लॉक स्क्रीन का जो स्विच और उसके नीचे है सिम ट्रे और उसके साइड में हमें देखने के लिए मिलता है वॉल्यूम अप एंड डाउन के लिए और उसके ऊपर ये जो स्विच है वो है जनरल मोड या फिर वाइब्रेशन मोड ऑन करने के लिए। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो वाइब्रेट मोड हो जाता है और फिर से वापस नॉर्मल की तरह कर देते हैं तो जनरल हो जाता है। यहाँ पर नीचे हमें ये मिलता है इसका स्पीकर और ये मिलता है माइक और बीच में हमारा चार्जिंग पोर्ट। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा इस फ़ोन का लेफ़्ट साइड और राइट साइड में ही हमें सब कुछ मिल जाता है और नीचे भी कुछ मिल जाता है, मगर इस फ़ोन के ऊपर में हमें कुछ भी नहीं मिलता है देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ऊपर से कैसे स्क्रीन का जो ब्राइटनेस है हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसके पास से हम साउंड भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से कुछ एप्लीकेशन जो है पहले से था मगर कुछ जो है अभी डाउनलोड किया गया है। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अभी सेटिंग पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग में बहुत कुछ डिटेल्स में हम जान सकते हैं मगर हमें जाना है अबाउट में। तो फ्रेंड्स पहले चलते हैं जनरल पर और फिर चलते हैं अबाउट में। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्टोरेज जो है स्टोरेज कैपेसिटी और कुछ अदर डिटेल्स जैसे कि IMEI और ये सब इसमें मेंशन है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका कैमरा। तो कैमरा में चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा बैक कैमरा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका क्लैरिटी जो है कितना अच्छा है। इसमें बैक में दो कैमरा है जो कि 12 और 12 मेगापिक्सल का है और इसके साथ में एक सेकेंडरी माइक भी देता है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैमरा में हमें पोर्ट्रेट मोड मिलता है जहाँ पर हम कुछ सेटिंग्स दिया गया है, इसके हेल्प से बहुत ही अच्छा फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और इसके साइड में है जो कि फ़ोटो, यहाँ पर हम लाइव भी फ़ोटो शूट कर सकते हैं और उसके साइड में है वीडियो और उसके साइड में स्लो मोशन और टाइम लैप्स ये भी दिया गया है इस कैमरा में। और फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ आता है स्क्वायर और यहाँ पर बहुत ही फ़ोटो अच्छा आता है और ये हमारा पैनोरामा। तो फ्रेंड्स यही कुछ था इस फ़ोन के बारे में। तो फ्रेंड्स न्यू ईयर के लिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और वीडियो जो है थोड़ी देर से आया। तो फ्रेंड्स ये जो न्यू ईयर है आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हो और आप सभी को फिर से हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।